मिडकैप के महारथी का। मिडकैप के महारथी में हमारे साथ आज आशीष महेश्वरी जुड़ गए हैं अपने टॉप आइडियाज लेकर। आशीष, गुड आफ्टरनून, स्वागत है आपका ईटी नाउ स्वदेश। बताएं कौन से धमाकेदार स्टॉक्स हैं मिडकैप कैटेगरी के जो आप हमारे लिए लेकर आए हैं। देखिए, अभी मार्केट परिस्थितियां ऐसी हैं कि आपको आपका स्टॉक सिलेक्शन के लिए बहुत ज्यादा सतर्क रहने की जरूरत है, क्योंकि बहुत ज्यादा हायर वैल्यूएशन का स्टॉक आप खरीद लेंगे तो नुकसान होगा, और कोई इमर्जिंग थीम के स्टॉक खरीद लेंगे तो वहां पर भी बहुत जल्दी जल्दी मुनाफा वसूली आ रही है। तो मेरी सलाह आज दो स्टॉक्स पे रहेगी। पहला स्टॉक रहेगा इक्विटास बैंक। मेरा मानना है कि बैंकिंग ऐसा सेक्टर है जिसमें अभी भी सिलेक्टिवली मौके ढूंढे जा सकते हैं, और जहां पर भी नतीजों में काफी इंप्रूवमेंट देखने को मिला है सितंबर टू दिसंबर क्वार्टर में, उन स्टॉक्स की बिल्कुल री रेटिंग होगी। तो इक्विटास बैंक के यदि नतीजे पे नजर डाले तो पिछले क्वार्टर में उनका जो सितंबर का मुनाफा 116 करोड़ से बढ़ के दिसंबर में 170 करोड़ रुपए का हो गया है, और पब्लिक फ्लोट जो स्टॉक में है सिर्फ 10% ही है, क्योंकि 74% होल्डिंग यहाँ पे प्रमोटर के पास में और 20% जो होल्डिंग इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर्स के पास है। तो स्टॉक ऑलमोस्ट अपने 52-week हाई के पास में भी ट्रेड कर रहे हैं, और मुझे लगता है कि इस स्टॉक में पोटेंशियल है बिल्कुल 85 से 90 रुपए जाने का अगले एक मार्च में। अच्छा, दूसरा स्टॉक जो मैंने आइडेंटिफाई किया है जो मिड कैप पे नहीं है बट फिर भी मुझे काफी पसंद है, वो है BEL। मेरा मानना है कि इस स्टॉक में एक अच्छा करेक्शन ऑलरेडी हो चुका है, और एक जो डिफेंस सेक्टर में ये कंपनी जो ऑपरेट करती है तो करीब 50,000 करोड़ की इसके पास में ऑर्डर बुक है जो अगले 4 साल में एग्जीक्यूट होना है, और अभी मेरा मानना है जैन टू मार्च क्वार्टर में कम से कम 17 से 20 हज़ार करोड़ के नए ऑर्डर्स रिलीज होंगे BEL को, तो जो स्टॉक को नई ऊंचाइयों पर बिल्कुल ले जा सकते हैं। थोड़ा पेशेंस रखना पड़ेगा BEL में, बट अल्टीमेटली आपका कैपिटल प्रोटेक्ट रहेगा और 21% की अगले एक साल में अपसाइड यहाँ पर बिल्कुल मिल सकती है। ठीक है, तो BEL पर नजर रखिए अगले एक साल के लिए, और इक्विटा स्मॉल फाइनेंस भी अच्छा लग रहा है, यहाँ पर भी आप खरीदारी करके चल सकते हैं मिड कैप के महारथी में। ये दो स्टॉक्स आशीष की तरफ से। आशीष जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका समय देने के लिए और ये स्टॉक्स भी सुझाने के लिए। नीरव, आपके तरफ से भी ट्रेडिंग के लिहाज से क्या रिकमेंडेशन होगी आज के लिए? देखिए, पहला है GSPL। मेरे हिसाब से ये स्टॉक में काफ़ी बढ़िया एक पैटर्न बना है, फ्लैग काइंड ऑफ फॉर्मेशन ब्रेकआउट आया है और लंबे समय के बाद आया है। देर इज़ अ गुड चांस कि ये स्टॉक ऊपर में 300-320 तक जा सकता है, तो यहाँ से आप बाइंग करें, 275 का स्टॉप लॉस लगाए, 305 का टारगेट रहेगा। दूसरा जो स्टॉक है वो SL ProPack का है। देखिए, EPL जिसका NSE सिंबल है, EPL अगर देखें तो काफ़ी बढ़िया वॉल्यूम्स हुए हैं पिछले 2-3 महीनों में और एक रेंज में रहा है। आई बिलीव एक अच्छा रिवर्सल इज इन प्लेस नाउ, 150 का लोअर सपोर्ट उसने टच कर लिया है। अब यहाँ से देयर इज अ गुड चांस ऊपर में 175 से 180 तक ये स्टॉक जा सकता है, तो यहाँ से आप खरीदारी करें, नीचे में 153 का स्टॉप लॉस लगाएं, 170 तक के टारगेट रहेंगे। ओके, GSPL और साथ ही EPL, ये दो शेयर्स हैं जिस पर नीरव की तरफ से आज स्टॉक स्पेसिफिक रेकमेंडेशंस आ रहे हैं, दोनों पर खरीदारी की कॉल। नीरव, आपका शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, सवालों के जवाब देने के लिए और मिड कैप और इंडेक्स पर अपनी राय हमारे साथ शेयर करने के लिए।